खबर आपको बता दें, पटना से राज्यसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। पवन वर्मा और मौलाना गुलाम रसूल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जो कि जीते हैं। पवन वर्मा को 122 वोट मिले हैं और मौलाना गुलाम रसूल को 123 वोट मिले हैं। पवन वर्मा के खिलाफ निर्दलीय अनिल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 108 मत मिले। मौलाना गुलाम रसूल के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर साबिर अली खड़े थे, उन्हें केवल 107 वोट मिले हैं। अभिषेक चंद्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कम से कम अभिषेक, ये तो जेडीयू के लिए राहत की बात है। बिल्कुल अनुराग, नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से मंथन कर रहे थे, गठजोड़ कर रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी लालू प्रसाद यादव से मदद की गुहार की और आज यही नतीजा हुआ कि पवन वर्मा और उनके जो हरियाणवी कैंडिडेट हैं वो जीत गए काफी मंथन के बाद। लेकिन अनुराग एक बात और भी है कि जेडीयू से साफ तौर पर पहली बार ऐसा हुआ कि 21 विधायकों ने खुल करके जेडीयू का विरोध कर करके वोट किया है। जेडीयू की तरफ से 21 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट किया, तो कुल मिलाकर के पवन वर्मा को 122 वोट मिले, बलियावी को 123 वोट मिले, साबिर अली जो कि बलियावी के सामने खड़े थे उन्हें 107 वोट मिले और अनिल शर्मा जो कि हाल फिलहाल तक जेडीयू में ही थे, लोकसभा के जहानाबाद सीट से उन्होंने कंटेस्ट किया था, उन्हें 108 वोट मिले। ले देकर करके फिलहाल तो जेडीयू के लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन इसका असर आने वाले मानसून सेशन में दिखेगा जब तक अल्पमत में आने की आशंका बताई जा रही है। अनुराग, चले बहुत समय के बाद जेडीयू के लिए कोई एक राहत की खबर आई है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने राज्यसभा की दोनों सीटें जीत ली हैं। पवन वर्मा और गुलाम रसूल ने ये सीटें जीती हैं। 122 वोट पवन वर्मा को मिले हैं और 123 वोट मिले हैं गुलाम रसूल को। निर्दलीय उम्मीदवार अनिल शर्मा को केवल 108 मत मिले हैं और वहीं साबिर अली जो गुलाम रसूल के सामने थे उनको 107 वोट मिले हैं।